नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, दरभंगा विकास के रास्ते पर लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर फैशन टेक्नोलॉजी का। हम बता दें, दरभंगा को हर क्षेत्र में विकसित करने के लिए नए नए प्रतिभा के लोग दरभंगा में आकर यहाँ के युवक एवं युवतियों को प्रोत्साहित करने लगे हैं। ऐसा ही कुछ कार्यक्रम कल हुआ जो पूरे दरभंगा में चर्चा का विषय है। जरूरत है इसे जनता तक पहुँचाने की। हमारे साथ आज विशेष साक्षात्कार में मौजूद हैं नीतीश चंद्रा जी, जिनका एक जो एक प्रोफेशन से भी आते हैं, कोरियोग्राफर हैं, इसके अलावा फैशन डिजाइनर भी हैं। इसके अलावा ये जो मिस एंड मिसेस ब्रांड जो कार्यक्रम हो रहा है फैशन शो का, उसके निर्देशक भी हैं। क्या सोच करके दरभंगा आकर के इन्होंने ऐसी जगह पर, जैसे कहा जाता है कि जहाँ पानी नहीं हो वहाँ से पानी निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लगता है मिथिलांचल जैसा जगह पर आप आकर के आए? सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके बात से मैं शुरुआत करता हूँ। आपने कहा कि उस जगह से जहाँ से टफ है पानी निकालना, मैं ये कहूँ कि मिथिला अपने आप में एक ब्रांड है, ब्रांड था और ब्रांड रहेगा हमेशा। पूरे वर्ल्ड में मिथिला की हमेशा चर्चा होती है, मिथिला की पेंटिंग की वजह से, मिथिला के लोगों की वजह से, मिथिला की भाषा की वजह से, मिथिला की संस्कृति की वजह से और जो रॉयल हिस्ट्री है हमारा है, तो अपने आप में एक ब्रांड है। इसलिए मैंने हम लगाया ब्रांड मिथिलांचल। अब शो की बात करते हैं, मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल जो शो होने जा रहा है, ये अपने आप एक कल्ट होगा, ये अपने आप एक हिस्ट्री होगा कल के डेट में। और आज जो शुरुआत हुआ, जो आगाज हुआ है, अगर कोई इस पर टिक्का टिप्पणी भी कर सकते हैं, लोग हंस भी सकते हैं कि ये कैसे होगा, कौन इसमें हिस्सा लेंगी, इसमें महिलाएं कैसे आगे आएंगी, कैसे हिस्सा लेंगी, तो मैं उनको सब बता देना चाहता हूँ कि आप ही कल सामने आएंगे, आप ही आगे आएंगे और आप ही हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मिथिला का मामला है, ये मिथिला की भावना का मामला है और इससे पूरे वर्ल्ड में एक सोशल मैसेज जाएगा, एक वर्ल्ड में बड़ा मैसेज जाएगा कि मिथिला के लोग कुछ भी कर सकते हैं, मिथिला की महिलाएं कितनी सशक्त हैं, मिथिला की लड़कियां कितनी टैलेंटेड हैं, कितनी सशक्त हैं और वो आगे आना चाहती हैं। वो ग्लैमर, जो हम लोग ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करते हैं, फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, आज देखिए पूरे विश्व से जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो छोटे छोटे शहरों से जाके ही बड़ा नाम बनाती हैं, एक ब्रांड नेम बनाती हैं। कल को हो के दरभंगा और दरभंगा के आसपास या समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहाँ भी ऑडिशंस ले रहे हैं, यहाँ की लड़कियाँ अगर सेलेक्ट होकर विश्व लेवल पर जाएंगी, नेशनल लेवल पर जाएंगी, तो आपको कितना फख्र होगा, कितनी बड़ी बात होगी आपके लिए। तो आप भी आए, सपोर्ट करें, इस शो को सपोर्ट करें और बेसिकली आपके लिए है ये, हम सभी के लिए है। और ये जो मिथिला की हम बात करते हैं, ये मिथिला हमारा गर्व है और आप गर्व से कल कह सकेंगे, उसी कंटेस्टेंट्स के साथ आप फोटो भी लेंगे, आप उनसे बात भी करेंगे और गर्व से आप सबको बोलेंगे कि देखो ये मिथिला की है और मैं इसे जानता हूँ। नीतीश जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना कैरियर इस लाइन में किस तरह प्रारंभ किया, ताकि हमें लगता है कि इनक्रेज करने की जरूरत है, लोग आपको देखें, फॉलो करें आपको, कि किस तरह इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। तो यही सबसे बड़ी बात, किस तरह आपने, कहाँ से आप और किस इस क्षेत्र में किस तरह है, कैसे आप प्रमोशन? मैं शुरुआत इस तरह से करता हूँ कि मेरे दादाजी एक किसान हैं, थे मतलब, और मेरे पापा एक इंजीनियर हैं और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, तो एक जनरेशन गैप है। और ये बात मैं इसलिए जानबूझ के बता रहा हूँ कि मैं भी आपके बीच से निकला हूँ। मेरा जो जन्मभूमि है वो भागलपुर है, मेरा नेटिव प्लेस बांका है, मेरी फैमिली अभी पूर्णिया बिहार में रहती है, मैंने पढ़ाई यहीं से किया और सभी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, क्योंकि मेरे खानदान में मेरे पापा, भैया सब लोग इंजीनियर हैं। तो एक मेंटालिटी होती है, आप भी उस प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे कि आपकी फैमिली भी सिक्योर होना चाहती है कि कुछ ऐसा करें, सरकारी काम करें या कुछ इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेसर, ऐसा कुछ करें जो एक सेटल जॉब हो। फैशन डिजाइनिंग या मॉडलिंग एक करियर लोगों को आज भी नहीं लगता, मतलब पहले नहीं लगता था, अब तो खैर बहुत फेमस है। तो हमने शुरुआत जब की थी तो हमें भी वही सब फेस करना पड़ा था, सब चाहते थे इंजीनियरिंग करेंगे और मैं इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में छोड़ के मैंने फैशन डिजाइनिंग किया और मेरे पेरेंट्स ने इस बात को समझा, उन्होंने सपोर्ट किया, इस वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और आज अगर मेरा इतना नाम है इंटरनेशनली, अगर मेरा रिकॉग्निशन है, नाम है, मैं मुंबई में रहता हूँ, आज मैंने अपने एक अलग मुकाम बनाया है, पूरे भारत में शोज करता हूँ, 400 से ज़्यादा फैशन शोज कर चुका हूँ, मेरा अपना डिजाइनर लेवल है, जिस निफ्ट में कभी मेरा सपना होता था कि मैं उस निफ्ट में जाके पढ़ूँ, आज वहाँ के निफ्ट के जो पास आउट लड़के लड़कियाँ होती हैं वो मुझे असिस्ट करते हैं।
तो ये सिर्फ ब्रांड वैल्यू होता है, एक बड़ी बात होती है, ये आप भी कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप भी बन सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये मन में ठान लीजिए कि आपको करना क्या है, आप फोकस हो जाएंगे, अपने पेरेंट्स को भी आप समझा पाएंगे, अपने गार्जियंस को भी समझा पाएंगे, और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करें कि आप कुछ अगर बड़ा नाम करें, बड़ा मुकाम करें, तो मिथिला के लिए वापस क्या करेंगे, ये भी सोच के आगे काम बने आप। नीतीश जी, एक बार सवाल और होता है कि यहाँ मोटे तौर पर पूछते हैं गार्जियन कि तुम इसमें जाके क्या करोगे जी, क्या कमाओगी पैसा, और लोग क्या कहेंगे, ये जो मानसिकता, उस मानसिकता को किस तरह दूर कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए देखिए मानसिकता की जहाँ तक बात होती है, हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है, कि अपने काम से प्रूफ करना होता है, आप बातों से प्रूफ नहीं कर सकते। आज सिंपल सा एग्जाम्पल है, बिना किसी बड़ी बात किए मैं सिंपली बताता हूँ। अगर आज रंजना जी ने, या जो रोटरी क्लब मिथिला है, या जो तेजस्वी इंफ्राटेक, आज इन्होंने अगर मुझे यहाँ बुलाया है बताओ शो डायरेक्टर, तो इसलिए नहीं बताया, बुलाया है कि मेरा नाम अच्छा है, इसलिए बुलाया है कि मेरा नाम एक ब्रांड नेम है, मैं एक ब्रांड नेम हूँ, मेरा काम एक ब्रांड बोलता है ना, काम की वजह से। तो आज ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने मेहनत किया। ऐसे जब आप मेहनत करेंगे तो आप एक मुकाम को हासिल करेंगे। इसमें पैसा है, नेम है, फेम है, आप हर घंटे का चार्ज कर सकते हैं, आप हर शो का चार्ज कर सकते हैं, आप डिजाइनर बनेंगे तो आप किस लेवल तक जाते हैं, आपका जो कपड़ा बिकेगा वो आप किस लेवल, कितना मेहनत करते हैं, कितना ब्रांड लेवल बनाते हैं, उसके हिसाब से आपका कपड़ा बिकता है। आप एक मॉडल बनते हैं तो आप कितने फेमस मॉडल बनते हैं, किस लेवल तक जाते हैं, उसके हिसाब से आपको चार्ज पे होता है। आप ये सोचिए कि ये एक आम जो प्रोफेशन होता है, इससे ये बहुत ऊपर है, बहुत हटके है ये, इसलिए कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि इसमें क्या है, इस चीज़ को समझिए। अगर आप जब गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सबसे अच्छा है, सारा काम छोड़कर आप वापस यही करने लग जाएंगे। तो नीतीश जी, एक सपना ही नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आपके कैरियर का आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लड़के एवं लड़कियाँ दिल्ली, बॉम्बे जैसे जगहों पर जा करके इस क्षेत्र में, निफ्ट हो या IIFT हो, इस क्षेत्र में अपने नाम रोशन करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, क्या इस क्षेत्र में आपको रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, क्या इस क्षेत्र में आपका नाम इस्टेब्लिश हो सकता है, या फिर सपने देखे कर चले जाएंगे आप? बहुत ही छोट, मैं बहुत देसी बातें करता हूँ, और बहुत बेसिक बातें करता हूँ कि अगर सपने, सबसे पहले तो सपने दिखाना मतलब प्लेटफॉर्म देना। कल को एक लड़की जिसने आज वो सपना देख रही है कि वो फैशन डिजाइनर बन जाए, तो आपने ही बोला अभी कि वो लाखों खर्च करेगी, उसे बाहर के किसी देश में जाना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, वो सीखने के लिए, करने के लिए, बनने के लिए। आज उनको अपने घर में ये माहौल मिल रहा है कि वो कर सके। कल हम, मेरे पास भी वो प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैंने भी बैंगलोर जाके पढ़ाई किया, बॉम्बे आज रहता हूँ। अगर मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलता तो मैं क्या बाहर जाता? नहीं जाता। यही इनके साथ होगा कि आज, अब आप सोचिए कि मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ये आज हम गाउन बनाते हैं, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं वो इंडिया, हम उन उस पेंटिंग्स को अपने कपड़ों पे डाल के हम किसी फॉरेनर को बेच देते हैं। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, आपके तो घर की प्रॉपर्टी है वो, आप कल डिजाइनर बनेंगे आप, या कल मॉडल बनेंगे आप उस चीज को, चूंकि आप बेचे, आपको आपका जन्म हुआ है यहाँ पे, आप उसको बहुत, मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। तो उस चीज़ को, अपने मिट्टी को, अपने जो देसी पना है, आपका जो ब्रांड वैल्यू है, उसको हाईलाइट करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। जो ग्रूमिंग क्लासेस होगा यहाँ पे 7 दिन का, वो ग्रूमिंग क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मेरी एकेडमी है, नीतीश चंद्रा एकेडमी ऑफ ग्रूमिंग। तो आप ये समझिए कि हम जब उसका 10-10 दिन का या 15 दिन का सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, यहाँ पे 7 दिन में हर बच्चों को चलना, बोलना, उठना, बैठना, माइक पकड़ना, अपना इंट्रोडक्शन देना, या बहुत सारी जो बातें होंगी, बहुत सारी जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती है, वो उनको हम सिखाएंगे, बताएंगे, उनका पोर्टफोलियो शूट होगा। तो इस 7 दिन के बाद वही पर्सन आपके बीच के वो लोग होंगे, आप खुद उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, आप उनको खुद देख के लगेगा अच्छा ये वेल ग्रूम्ड हो गया है ना। जैसे ग्रूम्ड का थप्पा लगता है तो आप समझिए कि वो आधे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, उनका विजन क्लियर हो जाता है। तो इतना ही पहले ये पॉलिश करना होता है, क्योंकि कभी भी आप सोचिए कि IIT से ले IIM तक भी 100% प्लेसमेंट कभी नहीं देता है। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमको रास्ता बता रहे हैं, आपको हम पॉलिश कर देंगे, आगे बढ़ना आपका काम। ये बहुत ही बड़ा मंच है, और ये मैं खुल के बता रहा हूँ कि यहाँ की जो विनर होंगी, मिस एंड मिसेस की जो विनर होंगी, इनको डायरेक्ट एंट्री होगी मेरे अगले शो में, और वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट शो है, वो पटना में होगा। आप समझ लीजिए कि आप तो एकदम मीडिया में आपको अच्छा स्थान मिल रहा है, आप सोशल मीडिया में आपको अच्छा स्थान मिल रहा है, आप ग्रूम हो रहे हैं, और आपको इतना बड़ा मंच मिल रहा है, बाकी आप के लिए पूरा संसार बाकी है। अभी सवाल दो है, अब अंतिम राउंड में, पहला
कि इन लोगों का जो ट्रेनिंग करके जो आपके शामिल हो रहे हैं इसमें प्रतिभागी, उनके लिए फिर आगे क्या योजना है, या फिर और भी लड़कियां जो उनसे प्रभावित होकर के इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ आप, जैसे आपने कहा कि नीतीश चंद्रा एकेडमी आपने जो किया, तो उस तरह का यहाँ कोई इस्टेब्लिश करेंगे ताकि और भी लड़कियाँ यहाँ पर प्रशिक्षण ले, ट्रेनिंग ले और इसमें कैरियर भी ले, क्योंकि बहुत बाहर नहीं जा पाएंगे? ये देखिए, एक्चुअली ये शेड्यूल पे होता है, क्योंकि हम लोग पूरे भारत में खुद का शोज करते हैं, ये हमारा, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मुझे अपना काम भी देखना होता है, और ये जो एकेडमी है इसकी फ्रेंचाइजी हम लोग हर जगह दे रहे हैं ऐसे भी। तो कल को कि ये आज यहाँ से आपको सबसे पहले देखिए, हम रिस्पॉन्स देखेंगे कि यहाँ कितनी ललक है, कितने सीखने की कितनी ललक है, कितने लोग यहाँ पर जिज्ञासु हैं। और ये तो खैर मैं खुद ही बताता हूँ, ये मेरा सेकेंड विजिट है दरभंगा, और मैं ये खुल के हमेशा फख्र से बोलता हूँ कि दरभंगा वासी और मिथिला वासी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो सीखने की ललक है बहुत बहुत ही ज़्यादा है इनमें ऑलरेडी। तो डेफिनेटली कल अगर मुझे यहाँ से डिमांड मिलेगा तो मैं डेफिनेटली अपने एकेडमी यहाँ पे डेवलप करूँगा। यहाँ पे रंजना जी हैं, यहाँ पे रिंकू जी हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर ये लोग सपोर्ट करेंगे, ये लोग आगे आएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा मंच मैं ज़रूर यहाँ पे दिलाऊंगा कि इस शो से ही नहीं, रेगुलर यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की महिलाएँ, यहाँ के लड़के, सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के जो भी इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, जो भी ग्रूम होना चाहते हैं, जो भी मोटिवेट होना चाहते हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंच होगा ये। तो हम बता दें, हमारे साथ नीतीश चंद्रा जी हैं जो दरभंगा के युवक युवतियों को एक सपना ही नहीं बल्कि कैरियर निर्माण का नया रास्ता दिखा रहे हैं। हालांकि ये एक चैलेंजिंग जॉब अवश्य है, क्योंकि यहाँ मिथिलांचल में पहले से ही रूढ़िवादी विचार है, यहाँ पाग और चादर पहनने का है, और वहाँ यह फैशन डिजाइनिंग थोड़ा सा अटपटा तो अवश्य लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दरभंगा इस क्षेत्र में जल्द ही विकसित होगा। अंतिम सवाल ये कि ये कई लोगों ने पूछा, मिस और मिसेज ही क्यों, मिस्टर कहाँ भूल गया? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, आपने अभी, चूंकि आप आंसर खुद ही कर दे रहे हैं, आपने अभी ऐड किया कि रूढ़िवादिता, मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए, ये मेरा सेकंड विजिट है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो आईएएस हैं, आईएएस हैं, डॉक्टर्स हैं, आईपीएस हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, मिथिला के ही लोग हैं वो तो अचानक से बहुत आईएएस तो आईपीएस तो पैदा हुए नहीं, वो भी किसी गांव से ही आए होंगे, वो भी किसी उसी जगह से आए होंगे जहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, ढंग से टीवी नहीं होगा, ढंग से सड़क भी नहीं होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा करियर है। हम इनको कभी भी रूढ़िवादी नहीं कर सकते, सिर्फ ये तो इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी होता है, जिस दिन वो समझ जाएंगे कितने कितना बड़ा अवसर है, कितना बड़ा करियर है, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एक देखिए, एक हम कभी रूढ़िवादिता की बात इसलिए नहीं कर सकते, एक पिता अपनी बेटी को तब तक नहीं भेजेगा जब तक वो खुद सिक्योर नहीं हो जाएगा, है ना। कल जब मैं ऑडिशन ले रहा था तो मैंने उनको ये एहसास कराया कि देखो ऑडिशन कैसा होता है, एक शो कैसा होता है, ये सिर्फ ग्लैमर और रैंप वॉक नहीं है, आप अपने समाज को वापस क्या दे सकते हैं इस प्रोफेशनल करियर के थ्रू, ये मैंने उनको बताया, ये मैंने उनको सिखाया। तो इसलिए जब ये आपका पूरा जो समाज है, जैसे वो समझ जाएगा कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, और इससे पूरे समाज को क्या फायदा होगा, पूरे मिथिला को क्या फायदा होगा, वही समाज आपको सपोर्ट करेगा, और वही अपने आस पड़ोस की बेटियों को, लड़कियों को, बहनों को वो खुद लेके आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं आपसे भी, आपके चैनल से भी बोलना चाहता हूँ कि आप आगे आए, देखें, हिस्सा ना लें कोई बात नहीं है, लेकिन आगे आए और देखें, देखेंगे तो आप खुद एहसास करेंगे कि मुझे ये पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे ये मंच, मुझे इस पे आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप मीडिया पर्सन्स का भी मुझे बहुत सहयोग चाहिए होगा, अच्छा तो सहयोग मिल ही रहा है, लेकिन सहयोग और चाहिए होगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही ये पॉजिटिविटी पूरे समाज में फैलेगी, मेरी बात लोगों तक जाएगी और वो समझेंगे। और अगर आप विशेष जानकारी और चाहते हैं इस बारे में, तो 20 मई को फाइनल ऑडिशन है आपके दरभंगा में ही, आप सभी आमंत्रित हैं, देखने जरूर आएं कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और इसे मिथिला को क्या फायदा होगा। तो हम बता दें, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है दरभंगा में उन युवक युवतियां जो सिर्फ सोचा करती थी कि हम अपना कैरियर इस क्षेत्र बनाएंगे, और आपको बता दें निफ्ट और इफ्ट में जो नामांकन होता है वो भी 3 राउंड के एग्जामिनेशन, रिटेन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन इसके बाद होता है, लेकिन दरभंगा में अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है और आपके कैरियर निर्माण के लिए यहाँ से कोई सीढ़ी पहली बनती है, तो निश्चित तौर पर मिथिला महासू यह प्रयास करेगी कि आप जरूर इसमें आए। और हम आपको बता दें, शहनाज जो पार्लर है, सैलून है, वो आपको राजकुमारगंज में वहाँ MRM कॉलेज और एक और जगह VLCC में, 3 जगह फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म ले लें, और आप 20 मई को जो फाइनल ऑडिशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है
तो उसे छिपाइए मत, उसे दिखाइए और आने वाले समय में। मिस्टर की आपने, मैं भूल गया था, मिस्टर ये मिस एंड ये एक ट्रायल है ये कि मिस, क्योंकि हम लोग सिर्फ महिलाओं पर केंद्रित करना चाह रहे थे पहले शुरुआत, क्योंकि जो नारी शक्ति है यहाँ शुरुआत करते हैं, पहले उनको एग्जाम्पल बनने देते हैं, वो खुद एग्जाम्पल है और उनको एग्जाम्पल बनने देते हैं कि अगर हमारी नारी ये कर सकती है, हमारी लड़कियाँ ये कर सकती है, हमारी बेटियाँ ये कर सकती है, लड़के तो ऑलरेडी कर ही सकते हैं, है ना। तो ये मिस एंड मिसेस मिथिलांचल हो रहा है, आप रिस्पॉन्स देखिए, डिमांड देखिए। और इसके बाद ठीक बात हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि मिस्टर का शो भी होगा मिथिलांचल में और वो जरूर होगा। तो धन्यवाद, हमारे साथ नीतीश चंद्रा जो काफ़ी मशहूर कोरियोग्राफर और फैशन डिजाइनर हैं और आपके बच्चों के कैरियर के लिए दरभंगा में अपना आगाज दिए हैं। जरूरत है आपको सपोर्ट करते हुए, जो भी जानकारी है जो भी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उस पर जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।